अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजासन। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर वफिया से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको सऊदी अरब की खूबसूरती, सऊदी अरब का लाइफस्टाइल और सऊदी अरब के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह अपने व्लॉग में देता रहता हूं। तो आज का व्लॉग भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान की रूटीन आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं, एक दोस्त को पिक करना है, कंपनी से लेट हो गया। देखते हैं वहाँ कहाँ पर खड़ा है और कितनी देर में हम कंपनी में पहुँचे। आज दोस्तों जुम्मा का दिन है, और आपको पता है कि जुम्मा का दिन वो भी रमज़ान, फिर सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। वादी अल बेश जो है ना, ये जिजान से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे और देहाती एरिया है। ये है हैपर मासी, जो है ना बेश की मशहूर जगह है। ये खड़ा है फलपीनी। हाउ आर यू माय फ्रेंड? व्हाई आर यू एवरीडे लेट? ये एवरीडे लेट हो जाता है। और कोरोना, माय कोरोना फ्रेंड, इसको भी एक दफा कोरोना हुआ था। तो जिन जिन को कोरोना हुआ है, तो मैंने उनका नाम बस कोरोना रख दिया है। आई डोंट नो योर नेम, बस ओनली कोरोना। हाउ आर यू टुडे? हैव मॉर्निंग ड्यूटी और नॉट मॉर्निंग ड्यूटी, बट आई जस्ट फॉल स्लीप। स्लीप? यस। लेट नाइट यू वेकिंग अप? यस, नाउ आई एम लेट। बस अभी ये लेट हो गया, तो अभी मैं इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ कंपनी, क्योंकि बस जाती, बस का टाइम तो निकल गया। अभी तकरीबन 8:30 बज रही है, तो ड्यूटी इनकी स्टार्ट होती है 7:30 बजे। एक घंटा लेट हो गया, अभी भी आधा घंटा हमें लगेगा जो है ना जाते हुए। ये आराम को क्रिस्टल जो बेस से जो है ना जाने का रोड है, रॉयल कमीशन वाली साइड पे। दोस्तों, कोरोना गाइस को मैं छोड़ आया था कंपनी में। धूप अभी बहुत तेज़ है, जैसा कि आपको पता आज जुम्मे का दिन है, तो अभी जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारा घर है यहाँ पे। तो इधर पीछे साइड पे बिल्डिंग, इधर पीछे जो है ना मस्जिद है, और उस साइड पे भी मस्जिद है। नज़दीक हमारे घर के तकरीबन 500 मीटर पे दो मस्जिद हैं, जहाँ पे जुम्मा की नमाज़ होती है। ये है जी जहाँ रहते हैं मोहल्ला। जुम्मा की अजान अभी हो चुकी है। धूप है, लेकिन गर्मी इतना नहीं है जितना जजान में गर्मी होती है। आपको पता है जजान का जो सुबह है गर्म है, ज़्यादातर गर्म इलाका है। जुम्मा पे माशाल्लाह रश ही रश होता है, क्योंकि वैसे रमज़ान है, अभी लोग सोए हुए, लेकिन जुम्मा के दिन उठ जाते हैं। ये देख रहे हैं गाड़ियाँ सारी, खुतबा शुरू हो गया। ये आम का पेड़ है, आम, लाल लाल आम। सऊदी अरब के जो आम है नीचे नहीं गिरते। يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله يقول ربكم تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول جل شأنه وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ورقد फाइनली दोस्तों जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली है तो अब चल रहे रूम पे। धूप बाहर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जैसा कि जुम्मा पढ़ा था उसके बाद रेस्ट किया और कल रात को मैंने धोई थी गाड़ी, तो गाड़ी धोई थी तो अभी इसको थोड़ा कपड़ा शपड़ा लगाते हैं फिर चलते हैं बाहर जो है ना अफ्तारी का सामान लेते हैं। अभी एक घंटा रहता है अफ्तार करने में से। हल्की थोड़ी चमक शमक आ जाएगी ना मट्टी शट्टी क्योंकि जिदान में चलती हवा ज़्यादा और मट्टी पड़ जाती है, तो मैं जुम्मे के जुम्मे अक्सर जो है ना गाड़ी को धोता हूँ खुद ही। हमें पानी यहाँ पे वाफिर मकदार में होता है तो बाहर से धुलवाने से अच्छा है जो यहीं पे धो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी कपड़ा छपड़ा लग गया नॉर्मल। मुझे लगता है उम्रे पे गए थे। उम्रे पे गए? मैं उम्रा पे किया 3-4 दिन। माशाल्लाह मुबारक हो। और करिए से माशाल्लाह फ्रूट शरूट तो फुल लगे पड़े हैं। आम तो ज़बरदस्त महंगा बहुत है। ये आम की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है जो है ना अगर आप ले रहे हैं हिंदी, लेकिन महंगा बहुत है 15 रियाल किलो है। कितना होता है एक किलो होगा? किलो 10 रियाल। बहुत महंगा यार। एक वो दे दो ये देखे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है भाई। खैरियत है? माशाल्लाह। ये माल्टे का भी यार एक वो दे दो और एक धनिया दे दो। माल्टा मीठा वाला लेना? मीठा वाला चाहिए ना? ये मीठा वाला नहीं है हाँ मीठा वाला चाहिए। वो पड़ा है खट्टे वाला वो नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक धनिया दे दो और बोल। टमाटर कैसे किलो है? टमाटर भी दे दो आधा किलो पक्के पक्के दे दो भाई। चलें दोस्तों सामान हमने जो है ना परचेज कर लिया है बकाले से, कुछ लेना था अब चलते हैं होटल पे। ये दोस्तों आ चुका हूँ मैं बाजार वाली साइड पे बिल्कुल सिटी। यहाँ पे सोना मार्केट है, सूक जहब बोलते हैं, सोने को जहब बोलते हैं अरबी में। तो ये है यमनियों का होटल, इनसे लेते हैं जो है ना हम समोसे क्योंकि मैं पाकिस्तानी से लेता रहा, वो भी अच्छे बनाते हैं लेकिन ये भी अच्छे बनाते हैं तो इनसे आज लेते हैं। चलें दोस्तों समोसे ले लिए और ये बनाते हैं रायता यमनी बहुत ज़बरदस्त, वो भी लिया है। तो अब जा रहे हैं रूम पे। तो ये देखें अभी ईद में से तकरीबन 10-12 दिन रहते हैं तो इनने अभी जो है ना माशाल्लाह ये सजाना शुरू कर दिए हैं, सफाइयाँ शफाइयाँ ये वो। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है सफाई वगैरह पे नॉर्मली। ये पुराने महल्ला है, पुराना बिल्कुल पुराने टाइप के। दोस्तों आ चुके हैं अपने महल्ले में और अपने घर, तो चल के रोज़ा इफ्तार करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।